नमस्कार उज्जैन, मैं आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अभय न्यूज के 14 अगस्त रविवार के बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं शहर की छोटी बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नानाकणा चौराहे से गुजरने वाले लोग रविवार की शाम 5 बजे उस समय अचानक ठिठक कर रुक गए जब उन्होंने फिल्मों की तरह ढिशुम ढिशुम देखी। किसने खुद को मर्द बताते हुए टी शर्ट उतारी तो दूसरे ने दौड़ते हुए आकर लठ जमा दिया। इस मल्ल युद्ध में महिलाएं भी कूद पड़ी। वह कभी बीच बचाव करती नजर आई तो कभी हाथ चलाती। नानाखेड़ा सिग्नल के पास फिल्मों की नकली फाइट की जगह असली फाइट का सीन गाडोरिया लोहारों ने क्रिएट किया। आए दिन नशे में धूत ये लोग लड़ते झगड़ते सड़क पर आ जाते हैं। रविवार को भी चौराहे के पास से दोनों पक्षों में जूतम पैजा शुरू हुई। थोड़ी देर में ये हाथापाई में बदल गई और फिर लठबाजी में दो पक्ष आपस में इस कदर भिड़े कि देखने वालों का मजमा लग गया। करीब 20 मिनट तक बीच सड़क पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घुसे मुक्के और लठ बजाते रहे। देखने वाले सीन को मोबाइल में उतारते रहे। नानाखेड़ा थाने से महज 200 मीटर दूर ये उत्पात चलता रहा और इस दौरान एक भी पुलिस वाला मौके पर नहीं पहुंचा। ये हाल भी तब है जब शहर में स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है और खास तौर पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पूरा शहर देश की आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। घर घर तिरंगा लहरा रहा है और प्रभात फेरी और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देशभक्ति के गीतों पर युवा थिरक रहे हैं और आन बान शान के प्रतीक तिरंगे के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। 3 दिवसीय तिरंगा महोत्सव के तहत सोमवार को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्य समारोह दशहरा मैदान पर होगा और यहां सुबह 9 बजे प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ध्वजारोहण करेंगे। देवड़ा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 8:58 पर दशहरा मैदान पहुंचेंगे। 9:05 पर वह ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। राष्ट्रीय धुन व मध्य प्रदेश गान के बाद परेड का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करने के बाद राष्ट्रपति की जय के नारे लगाए जाएंगे। हर्ष फायर व मार्च पास्ट के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। श्रेष्ठ परेड के लिए सुरक्षा बलों को सम्मानित किया जाएगा। बगैर रीडिंग के बिजली बिल, भारी भरकम बिल से परेशान आम उपभोक्ता, चाहे जब गुल होती बिजली, वोल्टेज का उतार चढ़ाव, बारिश के मौसम में घंटों नदारद रहने वाली बिजली जैसी समस्याओं के बावजूद उज्जैन जिले का चयन श्रेष्ठ बिजली व्यवस्था के लिए किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तहत आने वाले 15 जिलों में उज्जैन को पहला स्थान मिला है। उज्जैन के अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य को स्वतंत्रता दिवस पर इंदौर में सम्मानित किया जाएगा। विद्युत कंपनी ने व्यवस्थाओं एवं निर्धारित मापदंड पर खरा उतरने पर मालवा निमाड़ क्षेत्र के 15 जिलों में उज्जैन जिले को पहला स्थान दिया है। इंदौर एवं देवास दूसरे एवं तीसरे स्थान हैं। अधीक्षण यंत्री के मुताबिक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तहत सुचारू विद्युत प्रदाय, बिजली के त्रुटि रहित बिल, उपभोक्ताओं की संतुष्टि, नवीन कनेक्शन प्रदान करने, विद्युत लाइनों का रख रखाव, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, विद्युत चोरी नियंत्रित करने, राजस्व में वृद्धि करने, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के सकारात्मक निराकरण, बंद या खराब मीटर बदलने, जले या फेल ट्रांसफार्मरों को यथा समय बदलना एवं रबी सीजन में किसानों को सतत बिजली देने के काम में उज्जैन ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उज्जैन जिले में लगभग 5 लाख उपभोक्ता है। उज्जैन शहर में स्मार्ट मीटर लगने से मीटर रीडिंग ऑटोमेटिक होने लगी है। इससे रीडिंग एवं बिल संबंधित शिकायतों में कमी आई है। यहां हम आपको बता दें कि बिजली रीडिंग को लेकर उपभोक्ता सबसे ज्यादा परेशान है। उनकी शिकायत वाजिब भी है क्योंकि उनके बिल 4 से 5 गुना तक हो गए हैं जबकि खपत पहले से कम हो चुकी है। ऐसे में ग्राहक आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस के बाद कभी भी आंदोलन हो सकता है। बावजूद इसके विद्युत वितरण कंपनी उज्जैन के काम को श्रेष्ठ बता रही है। सावन का महीना खत्म होते ही श्री महाकालेश्वर के गर्भगृह से दर्शन की रसीद व्यवस्था एक बार फिर शुरू कर दी गई है। पंडे पुजारी एक दिन में 6 रसीद के माध्यम से 12 यजमानों को दर्शन करा सकेंगे।
आम आदमी के लिए गर्भगृह भीड़ की व्यवस्था के अनुसार होगा, यानी ज्यादा भीड़ होने पर बाहर से दर्शन और भीड़ नहीं होने पर भीतर से दर्शन कराए जाएंगे। सावन महीने में आम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इसमें 1500 रुपए वाली सशुल्क व्यवस्था भी बंद की गई थी। अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। इधर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन के बीच दर्शनों को लेकर चल रहा शीत युद्ध अब और तेज हो गया है। इसके चलते कलेक्टर आशीष सिंह को प्रोटोकॉल दर्शन के लिए नया आदेश जारी करना पड़ा है। इसके मुताबिक जिला प्रशासन के सत्कार अधिकारी एडीएम सारे स्टेट गैस के दर्शन और भस्मारती, सभी सरकारी विभागों के दर्शन एवं भस्मारती कलेक्टर के ईमेल से होने वाले दर्शन और भस्मारती की व्यवस्था देखेंगे। वह गर्भगृह नंदी हॉल में प्रवेश की अनुमति के लिए अधिकृत होंगे, जबकि श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के दर्शन एवं भस्मारती पॉइंट्स, पंडे पुजारियों से मिलने वाले दर्शन एवं भस्मारती पॉइंट्स, धार्मिक संस्थान और अखाड़ा क्षेत्र से होने वाले दर्शन और भस्मारती पॉइंट्स, मीडिया के दर्शन एवं भस्मारती पॉइंट्स, दानदाताओं के दर्शन एवं भस्मारती पॉइंट्स, सामाजिक सेवाभावी संगठन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के दर्शन एवं भस्मारती पॉइंट्स, आम श्रद्धालु की ऑन एवं ऑफलाइन भस्मारती बुकिंग व्यवस्था देखेंगे। प्रशासक पात्रता अनुसार नंदी हॉल एवं गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति जारी कर सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रशासक ने मंदिर को अपनी बपोती समझ लिया है और वह राजनीतिक दल के आकाओं के सामने मिमियाते रहते हैं। उनका एकमात्र काम राजनेताओं को साधना बचा है। उनके इस आचरण के कारण जिला प्रशासन के सामने प्रोटोकॉल को लेकर वितरित स्थिति बन जाती है। पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के मंदिर दर्शन के दौरान इसीलिए बखेड़ा खड़ा हुआ था। बहरहाल एक बार फिर कलेक्टर ने प्रशासक पर लगाम लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन यह कितनी सफल होती है यह देखने वाली बात होगी। सावन भादो मास में निकलने वाली बाबा श्री महाकालेश्वर की सवारी के क्रम में भादो मास की पहली सवारी सोमवार को निकाली जाएगी। ये सावन भादो मास की पांचवी सवारी होगी। हमेशा की तरह पालकी में बाबा चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजमान रहेंगे। पूरे सावन और भादो के 15 दिन में आने वाले सोमवार को सवारी निकालने की परंपरा श्री महाकालेश्वर मंदिर में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्रीय समाज के सावन 15 दिन बाद शुरू होते हैं। चूंकि श्री महाकालेश्वर मंदिर सिंधिया रियासत में आता था, इसलिए यहां महाराष्ट्रीय हिसाब से पूजा पाठ किया जाता है। अब तक सावन की 4 सवारियां निकल चुकी है, अब भादो की सवारियां शुरू होंगी। भादो की पहली सवारी सोमवार को निकलेगी। यह सावन भादो मास की पांचवी सवारी होगी। सवारी में भगवान श्री महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजित होकर निकलेंगे। सवारी शाम ठीक 4 बजे राजसी वैभव के साथ मंदिर के सभा मंडपम से शुरू होगी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सवारी महाकाल चौराहा, गुदरी बाजार, कहारवाड़ी, रामानुजकोट होते हुए रामघाट पहुंचेगी। अभिषेक उपरांत सवारी फिर से मंदिर के लिए रवाना होगी। उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त और अवकाश होने के कारण सवारी दर्शन के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में रहेंगे। देवास रोड स्थित कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव की जोरदार तैयारियां की गई। शिक्षकों ने बच्चों को गायन एवं नृत्य का प्रशिक्षण दिया। देशभक्ति की कविताओं की तैयारी भी बच्चों से कराई गई। योगिता मैडम ने बताया कि देश इस बार स्वतंत्रता की 75वीं वर्ष गांठ मना रहा है, इसे लेकर बच्चे बेहद प्रफुल्लित है। उत्सव की जोरदार तैयारी की जा रही है। जन्मोत्सव मना रहे हैं एवं अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इसी उपलक्ष्य पर कृष्ण ज्योति परिवार की ओर से सारे देशवासियों को एवं उज्जैन वासियों को हम सभी बच्चों की तरफ से आज़ादी के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर दूसरे दिन भी तिरंगामय और उत्सवी माहौल में डूबा रहा। शहर में दिन भर यात्राएं निकलती रही और डीजे और बैंड पर देशभक्ति के तराने गूंजते रहे। घरों,
दुकानों प्रतिष्ठानों पर शान से तिरंगा लहराता रहा। लोग तिरंगे के साथ अपने फोटो और वीडियो शेयर करते रहे। 13 अगस्त से शहर में तिरंगा अभियान शुरू हुआ था। रविवार को अभियान का दूसरा दिन था और लोगों पर देशभक्ति की खुमारी दूसरे दिन भी छाई हुई थी। हाथों में तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे। वाहनों पर भी लोगों ने तिरंगा लगा रखा था। डीजे पर देशभक्ति के तराने गूंज रहे थे और लोग पूरी तरह देश प्रेम में डूबे नजर आए। चौपाटी, चौराहों, गली नुक्कड़ों पर युवाओं के टोलियां तिरंगा लहराते नजर आई। टावर चौक अभियान का सेंटर पॉइंट नजर आया। यात्राएं शहर में घूम फिर कर टावर पर आती जाती रही। यह सिलसिला सुबह से लेकर रात तक चलता रहा। इस बीच भाजपा ने 14 अगस्त को देश विभाजन को विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया। टावर चौक पर सांसद, विधायक और पूर्व सांसद सहित सिख समाज के लोग मौन रैली के रूप में पहुंचे। टावर पर लगे चित्रों की प्रदर्शनी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उद्घाटन किया। आइए पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय से जानते हैं पूरा मामला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, वास्तव में हमारे युवाओं को पता होना चाहिए कि विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था विभाजन में। कोई लोग रातों रात अपने देश से, हिंदुस्तान से भारतीय हो गए। हिंदुस्तान जो वहाँ सालों से रह रहे थे और वही उनके साथ में रहने वाले, उनके मित्र, उनके परिचित, उनकी जान के प्यासे हो गए और उन्होंने उनके घर और मकान छीन लिए। ये सत्य वास्तव में आना चाहिए। विभाजन की विभीषिका में 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर और उधर से इधर आए। जो आंकड़े हैं मरने वालों के, वो 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक है। उन आंकड़ों को छुपा दिया गया, उन आंकड़ों को दबा दिया गया, उन आंकड़ों को जला दिया गया और ये बहुत बड़ा अपराध कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इतिहास लेखन में किया है। वास्तव में ये जो विभाजन की विभीषिका है, ये विभाजन की विभीषिका इतनी ज्वलंत है कि हिटलर के उस समय जो प्रथम विश्वयुद्ध हुआ और करोड़ों लोग मारे गए, उससे भी ज़्यादा पीड़ा इस विभाजन में हुई है। वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन प्रतिवर्ष होने चाहिए ताकि देश अपने इतिहास को जाने। धन्यवाद। इस मौके पर उपस्थित भाजपा के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने कहा, स्मृति दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारा कार्य जो हुआ एक राजनीतिक गलतियों के कारण हुआ है और इस और देश के तत्कालीन नेताओं जिनके हाथ में उस समय बागडोर थी, निर्णय लेने की क्षमता थी, उन लोगों की इस निर्णय को लेने के कारण इतने बड़े पैमाने पर, जैसा अंदाज है कि 10 लाख से अधिक लोगों को आहुति देना पड़ी है। कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, कई बड़े बड़े अपने भवन मकान छोड़ छोड़ के लोगों को वहाँ से भागना पड़ा है। तो चूंकि एक तरफ जहाँ हम खुशी का माहौल है और साथ में हमें उन लोगों को भी याद करना आवश्यक है, जिससे कि आगे आने वाली राजनीति में इस प्रकार की भयंकर गलतियाँ कोई राजनेता न करे। भारत माता की जय। बहरहाल हर घर तिरंगा उत्सव सोमवार को भी जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर लोग झंडा लहराएंगे। शाम को उत्सव का समापन होगा। आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर इस राष्ट्रीय पर्व में सहभागिता की जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड 13 के नव नियुक्त पार्षद इमरान खान ने वार्ड वासियों को निशुल्क राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड को साफ रखने का संकल्प लिया और पूरे देशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान का आभार भी माना। पहली बार तो मेरी प्रियंका का धन्यवाद कि मुझे टिकट दिलाया और जिताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जो मेरे देश में मेरी तरफ से मेरे परिवार की तरफ से देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्त वाहिनी रक्त योद्धा सेवा संस्था के सदस्यों ने रविवार को जिला अस्पताल में रक्तदान किया। सदस्यों ने 75 यूनिट रक्त एकत्र किया और ब्लड बैंक को सौंपा। संस्था के राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान किया गया। रक्तदान करना शरीर के लिए बेहद अच्छा काम है। को नहीं देता था, आज सबसे बड़ा पुरस्कार हमको ये मिला कि आप जैसे भाई लोग रक्तदान करने के लिए समाज को प्रेरित कर रहे हैं और लोगों के हृदय से, दिल से ये भय निकाल दिया कि रक्तदान करने में शरीर को कोई नुकसान होता है।
डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि रक्त वाहिनी रक्त योद्धा संस्था के सदस्यों ने 75 यूनिट ब्लड दान किया है। यह ब्लड जरूरतमंदों के काम आता है। रक्त वाहिनी रक्त योद्धा टीम द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय में किया गया है, जिसमें 75 रक्तदाताओं द्वारा ब्लड देने की कोशिश की जा रही है। और यह जो ब्लड दिया जाएगा वो यहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चे, गर्भवती माताओं, कैंसर, डायलिसिस आदि मरीजों को निःशुल्क दिया जाता है। और यह ब्लड फ्रिज में 35 या 42 दिन तक संरक्षित रखा जाता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पे इमरजेंसी में मरीजों को तुरंत उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमारे द्वारा ब्लड बैंक में भी और आसपास के क्षेत्रों में कैंप का आयोजन किया जाता है। ब्लड बैंक की टीम द्वारा 15 अगस्त पर सभी को हार्दिक बधाई। न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। तो फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।